सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। इंस्पेक्टर भारत, मैं जानता था तुम आओगे, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। वादे के मुताबिक अकेला ही आया हूं। जान के खुशी हुई। लेकिन आप कौन हैं? जरा अपना भी तो तारुफ करवाइए। नाम जान के क्या करोगे इंस्पेक्टर? बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें जो बता सकता हूं कोई और तुम्हें नहीं बता सकता। हाँ, ऐसा भी क्या जानते हो इंस्पेक्टर? तुम्हें मालूम होगा कि शहर में ड्रग माफिया का बहुत बड़ा नेटवर्क फैल चुका है। कोई नई बात नहीं है, ड्रग माफिया हर शहर में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन इस शहर के अंदर ये ड्रग माफिया का धंधा करने वाला, ये मौत का व्यापार करने वाला, इसका सरगना कौन है? इसका बस एक सुराग मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं जानता हूं इन्हें। व्हाट? हालांकि मैं ये नहीं जानता कि ड्रग माफिया का बॉस कौन है, लेकिन मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि ये माल कब और कहां उतरने वाला है। अगर तुम्हारी इंफॉर्मेशन सही है तो तुम्हें इसके एवज में बहुत बड़ा इनाम भी मिल सकता है। इनाम तो मुझे मिल चुका इंस्पेक्टर। क्या मतलब? इस ड्रग की लत ने मेरे जवान बेटे को मुझसे छीन लिया। मेरी जिंदगी का एक सहारा था वो, और वो भी बड़ा दुख हुआ मुझे सुन के। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, इस उलझी हुई गुत्थी का मुझे एक छोर भी मिल जाए ना, एक सुराग भी मिल जाए, तो मैं इन मौत के सौदागरों को बर्बाद करके रख दूंगा, नेस्त नाबूद कर दूंगा इनमें। मुझे यकीन है इंस्पेक्टर, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। मुझे पता चला है कि आज रात 5 करोड़ के माल का डिलीवरी होने वाला है। जगह और टाइम का पता चलते मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। आगे जिम्मेवारी तुम्हारी है। तुम तो मुझे इन्फॉर्म कर दोगे, लेकिन अगर मुझे तुम्हें कांटेक्ट करना होगा तो मैं कहां कांटेक्ट कर सकता हूं? इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई कांटेक्ट नंबर, कोई कांटेक्ट करने का तरीका तो होना चाहिए। तो एक काम करो, बाहर मामा काने का टेलीफोन बूथ है, उस पे तुम चौक से क्रॉस कर देना, मैं खुद ही तुमसे कांटेक्ट कर लूंगा। लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलती कहां से? इंस्पेक्टर, मैं उस गिरोह में काम करता हूं। व्हाट? भारत जी, क्या कह रहे हो तुम? 5 करोड़ का ड्रग आज रात को आने वाला है, लेकिन कब और कहां? ये तो उसने नहीं बताया सर, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द वो मुझे बता देगा।
भारत कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने तुम्हारे साथ में मजाक किया हो? सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे उस आदमी की इंफॉर्मेशन बिल्कुल सच साबित हो गई। मुझे बड़ी हैरत है कि इतनी बड़ी ड्रग डीलिंग की इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन उस आदमी के हाथ कैसे लगी। दैट्स अ पॉइंट। लेकिन उस आदमी के मुताबिक वो आदमी खुद उन लोगों के साथ काम करता है। एनीवे, वो आदमी जो भी कोई हो, हमारे लिए बड़ा काम का साबित हो सकता है। तुम उसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। राइट सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। यह इंस्पेक्टर भारत है। इंस्पेक्टर भारत, मैं बोल रहा हूँ। आवाज तो पहचान गए होंगे। पहचान ली, खबर क्या है? खबर वही पुरानी जो पहले मैंने तुम्हें बताई थी। वक्त और जगह? जगह है डॉकयार्ड के पास वाली वीरान और उजाड़ स्टार मिल, लेकिन वक्त बहुत कम है। क्या मतलब? अभी से ठीक आधे घंटे बाद, यानी 7:30 बजे। इतने कम वक्त में मैं अपनी सर्च पार्टी कैसे तैयार कर पाऊंगा? हेलो, हेलो, मिस्टर रॉबिन। गुड इवनिंग मिस्टर सिल्के, हाउ आर यू? हमारा आइटम तैयार है। 100%। गुड। ओह, वेरी नाइस। सिल्के, तुम्हारा बॉस को बोलो हमको तुम्हारा आइटम बहुत पसंद आया है। थैंक यू सर। ओके, फिर मिलेंगे। नो वे। आई एम सॉरी मिस्टर रॉबिन्सन एंड मिस्टर शिर्के, आप दोनों अभी कभी भी नहीं मिल पाओगे। क्या मतलब? मतलब ये बरखुरदार कि आप मिलोगे तब जब आप बिछड़ोगे। मैं आपको बिछड़ने नहीं दूंगा। आज से आपका चोली दामन का साथ शुरू होता है, एक ऐसा सफर जिसका आगाज यहां से होगा लेकिन जिसका अंजाम जेल की सलाखों के पीछे हो। Who are you? कौन है तुम? इंस्पेक्टर भारत कहते हैं ना चीज को, क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखता हूं। ऐसी मस्ती बिल्कुल नहीं करना, खाम खाम भून दिए जाओगे। जगह को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है, सो रिलैक्स। आप लोगों की भलाई इसी में है कि आप लोग अपने अपने हथियार फेंक दो। ओके? लेकिन हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा है। फिर क्या? ये ब्लफ मारता है। ए सफेद कबूतर, ब्लफ नहीं मारता है, सच बोलता है। मैं क्या पागल हूं कि आप लोग इतने हथियार लेके खड़े और मैं बिना हथियार के यहां पे आ गया? ये देखिए, आई डोंट हैव अ गन। आप लोगों को विश्वास नहीं होता है? आप लोग एक बंदूक चला के देखो, एक गोली चलाओ। कम ऑन, शूट मी, शूट मी, कम ऑन, शूट मी, गोली चलाओ।
ड्रॉप द गन. आई सेड ड्रॉप द गन. ड्रॉप द गन. दैट्स बेटर. अब सब लोग दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे. अबाउट टर्न. श्रीवास्तव अपनी पूरी टीम को लेके यहाँ स्टार मिल्स में आ जाओ. सर कहे हम तुमको पहले बोला था क्या भी ब्लड मारता है. मिस्टर रॉबिन्सन, मैं तब ब्लफ कर रहा था लेकिन अब ब्लफ नहीं कर रहा हूं. थोड़ी सी भी हरकत की आई विल शूट यू. अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा वरना गोली मार दूंगा मैं. इट्स ए मिरेकल. हमने तो उम्मीद छोड़ी थी. गॉड इज ग्रेट. हाउ आर यू फीलिंग नाउ मिस्टर भारत? ठीक हूं बट. नहीं नहीं नहीं, आप लेट रहिए. आपको आराम की सख्त जरूरत है. आपको यह मालूम नहीं है कि पिछले 8 दिनों से आप बेहोश थे. व्हाट? जी हाँ, आप बॉम्बे पूना हाईवे पर खंडाला के पास एक खाई में जख्मी हालत में मिले थे. यह तो अच्छा हुआ कि एक भला आदमी आपको खंडाला के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर आया, वरना आपकी जान भी जा सकती थी. खंडाला? मैं खंडाला में हूं. ऑफ कोर्स यू आर इन खंडाला सिटी हॉस्पिटल. लेकिन मैं यहां खंडाला पहुंचा कैसे? हेलो इंस्पेक्टर जाधव. हाँ मैं डॉक्टर वर्मा बोल रहा हूं. हाँ पेशेंट को होश आ गया है. हेलो सर, आई एम इंस्पेक्टर जाधव. इंस्पेक्टर जाधव, मैं इंस्पेक्टर भारत. क्या बात कर रहे हैं सर, आपको कौन नहीं जानता. लेकिन आप इस हालत में यहां, ये क्या चक्कर है? भाई पुराना चोर पुलिस का खेल. इंफॉर्मेशन मिली थी बहुत बड़ी ड्रग डीलिंग होने जा रही है. मैं मौके पे पहुंचा, हाथापाई हुई, सर पे वार हो गया और फिर आंख खुली तो यहां पाया अपने आप को. सर मुझे लगता है ये इंफॉर्मेशन आपको इसलिए दी गई ताकि आपके ऊपर हमला किया जा सके. मेबी. सर आप मुझे उसका नाम बताइए, मैं अभी पकड़कर आपके सामने लाता हूं. यादव मुझे नाम तो पता नहीं. उसका हुलिया, चेहरा, कुछ ऐसा जिसे हम उसे ट्रेस कर सके. मुझे ऐसा लगता है यादव जैसे मुझसे ज्यादा तुम्हें उस इन्फॉर्मर में दिलचस्पी है. सही समझा आपने. अब फटाफट उसका नाम बता दो वरना
वरना वरना रिलैक्स यादव, रिलैक्स रिलैक्स। मैं उस इन्फॉर्मर का नाम बताता हूँ, पहले ये ग्लास नीचे रख दूँ, एक मिनट में नाम बताता हूँ। उस इन्फॉर्मर का नाम है सर। तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं इंस्पेक्टर भारत हूं सर। ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम भारत हो तो फिर वो कौन है? मुझे देख के। कौन हो तुम? अच्छा तो तुम मुझे नहीं पहचानते? ये सब क्या है भारत? सर मुझे ऐसा लगता है जैसे इनकी गैंग वालों को अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि मैं इनकी कैद से फरार हो चुका हूं। कैसी गैंग? कैसी गैंग सर? ये सब झूठ बोल रहा है सर। ये आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ सर, आपको याद है कुछ अरसा पहले मैंने आपसे कहा था कि कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया था और फिर मैं उनके चुंगुल से बच निकला था। अब मुझे समझ में आया कि इन्होंने मुझे अगवा क्यों किया था, ताकि मेरी जगह मेरे हमशक्ल को यहां पर प्लांट करें और इन लोगों का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। और यकीनन ये उसी ड्रग माफिया का काम है और ये उन्हीं का मेंबर। ये बिल्कुल गलत है सर। मैं इंस्पेक्टर भारत हूं, ये कोई बहरूपी है सर, इज एन इंपोस्टर, ये झूठ बोल रहा है। तुम दोनों एक दूसरे के हमशक्ल हो। मेरा तो दिमाग घूम गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसे असली कौन है और नकली कौन है। अगर तुम असली भारत हो तो तुम्हारे पास इस बात के क्या प्रमाण है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई डॉक्यूमेंटेशन है तुम्हारे पास? तुम जानते हो अच्छी तरह कि मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, वरना तुम इस किस्म का बेबुनियाद और बेहुदा सवाल मुझसे नहीं करते। अगर नकली भारत खड़ा किया जा सकता है तो नकली सबूत भी खड़े किए जा सकते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं सर? That's right. ठीक है, अगर तुम इंस्पेक्टर भारत हो तो फिर मैं कौन? आप एक बहरूपिया हैं, इंपोस्टर हैं, जो मेरे हमशक्ल होने का फायदा उठा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि रॉबिन और शिरके को कानून की प्रोटेक्शन मिले, उन्हें कानून से बचाया जा सके। लेकिन शिरके और रॉबिन इस वक्त हवालात में हैं। एंड जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सर, शिरके और रॉबिनसन को मैंने गिरफ्तार किया था 5 करोड़ रुपयों के ड्रग्स के साथ। ये बिल्कुल गलत बोल रहा है सर। ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी और मैं जब वहां गया तो हाथापाई में मेरे सर पे वार हुआ और मुझे खंडाला घाट में फेंक दिया गया। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, अच्छी कहानी है सर। अच्छा, अगर तुम भारत हो तो फिर अब तक तुम कहां थे? पिछले 8 दिनों से मैं खंडाला के सिटी हॉस्पिटल में दाखिल हूं, इसका सबूत है मेरे पास। खंडाला सिटी हॉस्पिटल, हाँ
बरखुरदार, यही है ना वो सिटी हॉस्पिटल? सर मुझे मुझे अच्छी तरह याद है कि यही था वो हॉस्पिटल। लेकिन यहां तो कोई अस्पताल नहीं है, ना ही कोई अस्पताल का बोर्ड है, कोई डॉक्टर भी नहीं है, नर्स भी नहीं है, कोई मरीज भी नहीं दिख रहा है। मुझे तो ये जगह वीरान दिखाई दे रही है। ए, तुम यहां पर चौकीदार हो? जी साहब। ये सिटी हॉस्पिटल है ना? क्या बात कर रहे हैं साहब, ये बिल्डिंग तो पिछले 4 साल से वीरान पड़ी है। मैं खुद यहां पर एडमिट था और ये सिटी हॉस्पिटल है। करेक्ट साहब। साहब लगता है इन्हें चढ़ गई है साहब, इन्होंने कोई नशा उशा। ये क्या चक्कर है, एक जैसे दो दो, कहीं मुझे तो नहीं चढ़ गई? तुम यहां पर ड्यूटी कब से कर रहे हो? साहब पिछले 2 साल से। तुम्हें यकीन है कि यहां कभी कोई सिटी हॉस्पिटल नहीं था? साहब यहां तो क्या, जहां तक मुझे मालूम है इस पूरे इलाके में कोई हॉस्पिटल नहीं है साहब। झूठ बोला सर, इज लाइंग। तुम छोड़ो इसे, जबरदस्ती तुम झूठ को सच साबित नहीं कर सकते। सर आप खामखा अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ही इज ए ब्लफ मास्टर, बहरूपिया है ये, इसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। बहरूपिया मैं नहीं, बहरूपिया ये है सर। सर आपको याद है सर, कुछ अर्सा पहले एक गैंग ने मेरा एक हमशक्ल ढूंढ निकाला था, उसका नाम इन्होंने साइमन रखा था। हो सकता वही साइमन जेल से फरार हो गया हो। साइमन मैं नहीं, साइमन ये नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे तुम दोनों के फिंगरप्रिंट्स चाहिए। सर इस तरह तो फिंगरप्रिंट्स मुजरिमों के लिए जाते हैं। एग्जैक्टली। और फिंगरप्रिंट्स देने में मुजरिम ही आनाकानी करते हैं। मामला सुलझ गया है। साइमन के फिंगरप्रिंट्स इन दोनों भारत के फिंगरप्रिंट्स में से एक के साथ मैच होते हैं और वो है ये भारत नंबर 2। I can't believe this. मिस्टर खन्ना, कोई गलती हो गई मेरे ख्याल से, आप प्लीज फिर से रीचेक कीजिए ना, कोई भूल हो गई होगी आपसे। भूल और मुझसे, इट्स माय प्रोफेशन। भूल तुमसे हुई है साइमन, जो तुमने दोबारा भारत बन के यहां पर आने की कोशिश की। Hey, you shut up. झूठ बोल रहा है, इज लाइंग। दैट्स इनफ, अब मैं तुम्हारी किसी कहानी पर यकीन नहीं करने वाला। श्रीवास्तव सर, अरेस्ट हिम। देखा इंस्पेक्टर भारत, कितनी आसानी से तुम हमारे चंगुल में फंस गए। पहले तुमने हमें सलाखों के पीछे डाला, अब हमने आपको सलाखों के पीछे डाला, मामला बराबर। झूठ की सलाखें इतनी मजबूत नहीं होती साइमन,
जो सच को ज्यादा देर तक कैद करके रख सके। That's right. इसीलिए तुम्हें बहुत जल्द आजाद कर दिया जाएगा, यहीं से नहीं बल्कि दुनिया से। अच्छा जी हाँ, वैसे बचने का एक रास्ता है तुम्हारे पास, अगर तुम उस इन्फॉर्मर का नाम हमें बता दो जिसने उन 5 करोड़ रुपयों की ड्रग डीलिंग की इंफॉर्मेशन दी थी। कमाल, जिस आदमी के टिप पर आपने 5 करोड़ रुपयों के साथ वो ड्रग्स पकड़े, रॉबिन्सन को पकड़ा, शिरके को पकड़ा, उस आदमी को तुम नहीं जानते? तुम तो इंस्पेक्टर भारत कहते हो ना अपने आप को, तुम्हें तो उस आदमी का पता होना चाहिए ना। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, सीधे सीधे उस इन्फॉर्मर का नाम बता दो, वरना तुम खुद समझदार हो, 12 घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर सुबह होने से पहले तुमने उसका नाम नहीं बताया तो बेमौत मारे जाओगे। और तुम ये समझते हो मिस्टर इंपोस्टर कि तुम सुबह होने तक मुझे इन सलाहों के पीछे कैद रख पाओगे? भागने की कोशिश बेकार है, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम वक्त से पहले ही बेमौत मारे जाओगे। और यकीन जानो मुझे तुम्हारी मौत का वाकई बहुत अफसोस होगा। चलता हूं मैं। दरवाजा ठीक से बंद रखो। यस सर। Everything all right? Yes, sir. Sir, ये क्या चक्कर है? दो-दो इंस्पेक्टर भारत? यही गुत्थी हमें सुलझानी है, और इसीलिए होम मिनिस्टर साहब ने इनको बुलाया है मिलने के लिए। हवलदार, दरवाजा खोलो। श्रीवास्तव, तुम? सर, आपको अभी तुरंत कमिश्नर साहब के साथ होम मिनिस्टर से मिलने चलना है। होम मिनिस्टर? यस सर। सर, डोंट वेस्ट टाइम प्लीज। ऑलराइट श्रीवास्तव। थैंक यू श्रीवास्तव। सर, आपका सिम कार्ड मैंने लॉक करवा दिया है, और उसी नंबर का दूसरा सिम कार्ड मैंने हासिल कर लिया है, ये रहा फोन। थैंक यू वंस अगेन। डोंट मेंशन इट सर, इट्स पार्ट ऑफ माय ड्यूटी। लेकिन सारा चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहा सर। ये सारा चक्कर यकीनन श्रीवास्तव उसी ड्रग माफिया का चलाया हुआ है, वो उस नकली भारत के जरिए उस इन्फॉर्मर तक पहुंचना चाहते हैं। बट सर, उस नकली भारत ने, सैमन ने मेरे सामने ही उस माफिया के 2 लोगों को कंसाइनमेंट के साथ पकड़ा था, उस इन्फॉर्मर पर विश्वास जमाने के लिए, ताकि इन्फॉर्मर दूसरी बार उस नकली भारत को कांटेक्ट करे और वो इस इन्फॉर्मर को धर दबोचे। बट उस इन्फॉर्मर से कांटेक्ट करने का कोई तरीका, कोई जरिया तो होगा ही? उस इन्फॉर्मर से कांटेक्ट करने का तरीका सिर्फ मैं जानता हूं।
आज नहीं तो कल वो तुमसे कॉन्टेक्ट करेगा ही। तुम लॉकअप से बाहर कब आए? मैंने आपसे कहा था सर कि झूठ सच को ज्यादा देर तक कैद करके नहीं रख सकता। मैं असली इंस्पेक्टर भारत हूं और ये एक बहनूपिया है। नो नॉट अगेन बड़ाल से अगेन एंड अगेन सर। मैं एक ऐसी बात जानता हूं सर कि जो सिर्फ इंस्पेक्टर भारत जानता है, असली इंस्पेक्टर भारत। और वो कौन सी बात है? उस इन्फॉर्मर का हुलिया और उसके कॉन्टैक्ट करने का तरीका। ये झूठ बोलने से बाज नहीं आएगा सर। अगेन एंड अगेन ही इज लाइंग। वो इन्फॉर्मर नकाबपोश था, पहचानने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और उसे कॉन्टैक्ट करने का तरीका है ही नहीं। तरीका है? क्या तरीका है वो तरीका? एक्सक्यूज मी सर, हम बोलो श्रीवास्तव। और सर मैंने मामा काणे के टेलीफोन बूथ पर क्रॉस मार्क लगा दिया है। वेरी गुड श्रीवास्तव, तुम वहां रुकना मत। वहां रुकने से हमारा प्लान चौपट हो सकता है। तुम लौट आओ। राइट सर। ये तो किसी भी इंसान को लाके हमारे सामने खड़ा कर देगा, क्योंकि अच्छी तरह जानता है कि उस इन्फॉर्मर को हम जानते ही नहीं। सर मेरी ये दरखास्त है कि आप उस शख्स से मिलने के बाद ही झूठ और सच का फैसला करें। That's my request. मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे कॉन्टेक्ट करेगा और बहुत जल्द करेगा। इंस्पेक्टर भारत हियर। हाँ मैं बोल रहा हूँ, पहचाना? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? वो तुम्हें मैं मिलने के बाद बताऊंगा। ठीक है, वहीं मिलेंगे जहाँ हम लोग पहले मिले थे, रात 8 बजे। क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? ये जानने के लिए बुलाया था कि उस दिन के बाद कोई और संपर्क ही नहीं हुआ। आपने उस गिरोह के बारे में कुछ और बताया ही नहीं। वो लोग चौकने हो गए। मुझे लगता है इन दिनों में कोई डीलिंग भी नहीं हुई उनकी। उस गैंग के बारे में कुछ और पता चला आपको कि उस गैंग का बॉस कौन है, वो गैंग किस नाम से ऑपरेट करता है वगैरह वगैरह? इंस्पेक्टर मैंने कहा था ना कि मुझे पता चलते मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि उस गैंग का नामो निशान मिटा देना। चलो उनके बारे में नहीं, अपने बारे में तो कुछ बता सकते हैं आप। मैं बताता हूं, इस आदमी का नाम अफजल गिलानी है, उर्फ अफलू काणा। दुबई के एक बहुत बड़े ड्रग्स साम्राज्य को कंट्रोल करते हैं ये। और इनके सामने अब बॉम्बे में एक और ड्रग माफिया खड़ा हो गया है, जिसे ये तोड़ना चाहते हैं। बस उसी को तोड़ने के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। ये सब क्या चक्कर है? तुम दोनों में इंस्पेक्टर भारत कौन है? वही जिसने हमें तुम तक पहुंचाया था। कमिश्नर तुम? तुम क्या सोच रहे थे गिलानी? तुम अपना काम चुपचाप करते रहोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
गिलानी तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, यू आर फिनिश्ड। ओह माय गॉड, सर ये क्या कर दिया आपने? ये तो हमें बहुत कुछ बता सकता था। तुम इससे पूछना चाहते हो ना, तो ठीक है मैं तुम्हें भी इसके पीछे पीछे पहुंचा देता हूं। क्या मतलब, आप जानते हैं इसे? जी हाँ, बड़ी अच्छी तरह, क्योंकि ये सारी की सारी प्लानिंग इन्हीं की थी। लेकिन क्यों? क्योंकि नए ड्रग माफिया का सरगना कोई और नहीं, मैं जब तुमने मुझे बताया कि मेरी गैंग का कोई आदमी मुझसे गद्दारी कर रहा है तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मुझे लगा कि एक न एक दिन तुम मुझ तक भी पहुंच जाओगे, तब मैंने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उस रात पीछे से तुम्हारे सर पर वार मैंने ही किया था। लेकिन तुम्हारे मरने के बाद मुझे इन्फॉर्मर का कभी पता नहीं चल पाता, इसलिए मैंने साइमन को जेल से निकलवाया और उसके फिंगरप्रिंट्स चेंज करवा दिए। लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हमें ये इन्फॉर्मर क्या गिलानी शिलानी का कोई अता पता नहीं मिला, तो इस तक पहुंचने के लिए हमने एक मास्टर प्लान बनाया ताकि आप दोनों को एक साथ में हम टपका दें। लेकिन हमारी किस्मत देखो, इन्फॉर्मर हमारी गैंग का नहीं दुश्मन गैंग का निकला, एंड द क्रेडिट गोज टू यू इंस्पेक्टर भारत। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे। Hey, cut the crap, baby. ये भाषणबाजी बंद, भाषणबाजी बंद, और मरने के वास्ते तैयार हो जा। You
के पेड़ को कानून के खून से सींचने चले थे कमिश्नर, भूल गए कि ऐसे दरख्तों में कभी फल नहीं लगा करते। जून की लकड़ी से घर नहीं चिताएं बनती हैं कमिश्नर, सिर्फ चिताएं। यू आर अंडर अरेस्ट।